हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने घर मिर्जापुर पहुंचे। नारायणगढ़ के मिर्जापुर पहुंचने पर नायब सैनी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान नायब कैबिनेट के राज्य मंत्री सुभाष सुधा, राज्य मंत्री असीम गोयल, लोकसभा उम्मीदवार बंतो कटारिया भी मौजूद रही। मिर्जापुर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक जनसभा को संबोधित किया। नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में नारायणगढ़ के लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि वे नगर खेड़ा माथा टेकने आए हैं। और आप लोगों के बीच में जब मैं नगर खेड़ा पे शीश नवाने के लिए आया हूँ और ये इतना आशीर्वाद और प्यार जो आप लोगों का मिल रहा है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके सिर नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज एक बात और आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ, कटारिया जी, आज वो कहीं पर भी हैं, भगवान श्री के चरणों में वो विराजमान हैं, वो देख रहे हैं हमें, वहीं से देख रहे हैं। और मैं बोलता हूं, जब पार्टी ने मुझे जब अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी दी थी और अंबाला में मेरा वहां पर अभिनंदन किया था असीम गोयल जी ने और पूरी टीम ने, मैंने तब भी मंच के ऊपर से कहा था, मैंने ये कहा था कि वो ऐसा व्यक्तित्व रहा है जिसने हमारी उंगली पकड़ करके हमें आगे बढ़ाने का काम किया है। कि अगर आज कटारिया जी होते, मैं अध्यक्ष बना हूं पार्टी का, वो ऐसा व्यक्ति था कि अपने गल में ढोल पैक अपने आप बजाना शुरू कर देता, ऐसा व्यक्ति था। इतनी खुशी उसके अंदर,